रहीम एफ एस सी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 फंजाई। किंगडम फंजाई को हम किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ द डिकम्पोजिशन, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही डिकम्पोज करना और एब्जॉर्प्शन करना होता है फूड को, इसी वजह से हम इनको रिसाइकलर बोलते हैं। फंजाई की अप्रोक्सीमेटली 100,000 स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। इन स्पीशीज़ में से कुछ जो होती हैं वो पैथोजेनिक होती हैं, जो कि डिजीज़ काज करती हैं पहला प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। कुछ जो होती हैं वो एडिबल हैं और कुछ जो है वो सोर्स ऑफ मेडिसन हैं। इसके अलावा फंजाई का इकोलॉजिकल रोल भी है हमारे इन्वायरमेंट में, मेजर रोल प्ले करती हैं। और इसके करेक्टर्स की बेस पे हमने इनको अलहदा ग्रुप, अलहदा किंगडम का नाम दिया गया है, किंगडम फंजाई। पैथोजेनिक की बात करें तो नोटोरियस पैथोजेनिक डिजीज जो हैं, जो कि डिजास्टर काज किए हैं, जिसने पास्ट में जिस तरह रस्ट और समट ऑफ वीट एंड कॉर्न, यानी कि गंदम और कॉर्न में, मकई में जो रस्ट और समट की डिजीज होती है, जिसे वो अंदर से उसका दाना खोखला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो डिजीज जो है फंजाई की वजह से है। इसके अलावा वो बहुत सी इसकी टाइप्स जो कि मोल्ड की फॉर्म में ग्रो करते हैं, जो हमारे फूड स्टफ को ख़राब कर देती हैं। कुछ इसकी स्पीशीज जो डिलीशियस होती हैं, खाने के काबिल होती हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा वगैरह पे भी जो है मोस्टली जो है वो यूज़ करके हम खाते हैं। जो एडिबल इसकी फॉर्म्स हैं उसमें मशरूम्स, ट्रफल्स, मोरल्स आ जाती हैं। कुछ इसकी हम कमर्शली यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, जिस तरह पेंसिलियम, जो कि एंटीबायोटिक पेंसिलिन, पेंसिलियम से हम एक एंटीबायोटिक पेंसिलिन यूज़ करते हैं। इसी तरह यीस्ट को जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ब्रेवरी इंडस्ट्री में। और कुछ जो है वो इकोलॉजिकल रोल है फंजाई का, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स हैं, तो बैक्टीरिया के साथ या बैक्टीरिया के पैरेलल जो है ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे जो ये डिकम्पोजिशन की वजह से ही ये डेड ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट की डिकम्पोजिशन करते हैं। लेकिन इसी वजह से जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हमें रिक्वायर होती हैं, जो स्टोर की होती हैं, उन्हें भी ये डिकम्पोज करके ख़त्म कर देती हैं। फंजाई जो है ये रिजेंबल करते हैं प्लांट्स में, क्यों? क्योंकि इनमें एक करेक्टर होता है, दैट इज़ अ सेल वॉल। लेकिन इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन देखी जाए तो डिफरेंट होती है, लेकिन हम कहते हैं इसमें भी प्रेजेंट है एंड प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। और इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होती हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते इनमें, तो ये करैक्टर इनके रिजेंबल करते हैं प्लांट से। इसके अलावा फंजाई जो है एनिमल से भी रिजेंबल करती हैं, क्योंकि ये जो है एक तो हेटरोट्रोफ होती हैं, यानी कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। इसके अलावा इनके पास सेल्यूलोज नहीं होती, प्लांट के एनिमल के पास भी नहीं होती। और इसके अलावा इनका स्केलेटन में काइटन प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत से इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो इनकी कुछ रिजेंबलन एनिमल से है, कुछ प्लांट से है, लेकिन हम कहते हैं कुछ चेंजिंग भी है प्लांट से और एनिमल से। इसी वजह से हमने इनको स्टडी, फंजाई की स्टडी करने वालों को माइकोलॉजिस्ट, जो फंजाई की स्टडी बोलते हैं, उस फंजाई को स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। तो ये कंसीडर किए, माइकोलॉजिस्ट ये कंसीडर करते हैं कि असल में फंजाई की जो फंजाई के एंसेस्टर हैं वो एनिमल और प्लांट्स दोनों ही शायद इनके एंसेस्टर्स हैं, लेकिन फंजाई प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? इनमें सेल वॉल, हैविंग द सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होती है प्लांट में, सेल वॉल एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। इसके अलावा ये हेटरोट्रोफ तो होते हैं, प्लांट भी एनिमल भी हेटरोट्रोफ होते हैं, लेकिन एनिमल जो है वो अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जजब करते हैं अपनी सरफेस से। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, एनिमल जो है मूव करते हैं। प्लांट से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इनकी काइटन से मिलकर बनी होती है। प्लांट मोटाइल होते हैं, प्लांट जो है नॉन मोटाइल होते हैं, वैसे फंजाई भी नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अलावा इनकी डीएनए की स्टडी से ये कंफर्म होता है कि ये तमाम ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है।
इनमें एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर माइटोसिस। ये स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है। इस माइटोसिस में और नॉर्मल माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर इनवेल्प ब्रेक नहीं होता। जब हमें पता है कि नॉर्मल प्रोसेस होता है माइटोसिस का, तो न्यूक्लियर इनवेल्प डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर माइटोसिस का प्रोसेस फंजाई के अंदर होता है, तो उसमें न्यूक्लियर इनवेल्प वैसे की वैसे ही मौजूद रहती है। उसके अंदर ही माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के साथ ही, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती है दो क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, उनके दरमियान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बन जाती है, तंग हो जाती है, और दो एक सेल एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और लेकिन इनमें न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोसिस के दौरान डिसअपियर नहीं होती। फंजाई जो है वो डिफरेंट है एनिमल से, प्लांट से भी, इसीलिए हमने इनको एक अलग-अलग किंगडम का नाम दिया गया, दैट इज़ द किंगडम फंजाई। अब देखते हैं फंजाई की बॉडी कैसी होती है, द बॉडी ऑफ फंगस। जो फंजाई की बॉडी कंसिस्ट करती है माइसीलियम पे। माइसीलियम क्या है असल में? लॉन्ग सिलेंडर और ब्रांच ट्यूब की फॉर्म के ट्यूबुलर और धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइफी। हाइफी का सिंगल जो है हाइफा होता है। हाइफी जो है वो स्प्रेड करती हैं सरफेस स्पेस, यानी किसी भी सबस्ट्रेटम जो है वो सरफेस के लिए यूज करते हैं। और इनकी सेल वॉल क्योंकि काइटन से मिलके बनी होती है, और काइटन की ये एबिलिटी होती है कि ये जल्दी जो है वो रेजिस्ट होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। सेल्यूलोज जो है प्लांट सेल में जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन काइटन जो है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, डिके नहीं होता। और इसके अलावा हाइफी जो है, इसके जो बॉडी है माइसीलियम बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके एक फिलामेंट को बोलते हैं हाइफी। और हाइफी कुछ फंजाई की हाइफी जो होते हैं उसमें वॉल्स क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जैसा एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है वो क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती। तो अगर उसमें सेप्टेट, यानी कि उसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, सिंगल इसका सेप्टम होता है, अगर प्रेजेंट है तो इसे सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट क्रॉस वॉल तो उसे बोलते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। और जिसमें नॉन सेप्टेट हाइफी होती है, उसमें सारे का सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऐसे ही मूव करता है, इसी वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इस तरह की हाइफी को जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसमें क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होती, उसे बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। और जिसमें साइटोप्लाज्म, उसको पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म उसकी सारी बॉडी में स्प्रेड होता है, मूव करता है। और जो जिस फंजाई में सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टेट फंजाई में क्या होता है, सेप्टेट हाइफी में भी जहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है, जहाँ पे वो लेयर प्रेजेंट है, वहाँ पर जो है वो पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। उस पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म जो है उसकी बॉडी में मूव करता है, उसका मटेरियल जो है वो उस पोर्स के थ्रू जो है मूव करता है। ये डायग्राम देखें, ये आपको दिखाई गई फंजाई की डिफरेंट टाइप, दिस इज द ये हाइफी एक दिखाया गया है, फिलामेंट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कोई भी वॉल नहीं ना प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। और ये मल्टी न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है। और ये देखें यहाँ पे जो है वो यूनि न्यूक्लिएट दिखाए गए, और ये सेप्टम प्रेजेंट है यहाँ पर। ये सेप्टम जो क्रॉस वॉल्स होती हैं, जिसने उसको छोटे छोटे खाने बनाए हुए हैं। कुछ फंजाई जो होती हैं उसमें बाई न्यूक्लिएट है, जिसमें ये दो न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं और ये सेप्टम प्रेजेंट है। उस तरह फंजाई जो है उसकी ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू, उन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म मूव करता है, उसकी टिप तक मूव करता है, और फंजाई जो है वहाँ से उसकी रैपिडली उसकी टिप से ग्रोथ होती है। वाटर जब फूड और वाटर की अवेलेबल हो, फेवरेबल कंडीशन हो, तो इसकी एक्सटेंसिवली ग्रोथ होती है। इसके सारे के सारे पार्ट, जिनकी उसकी पूरी बॉडी जो होती है ना माइसीलियम की, वो सारी की सारी उनके एक्टिव फॉर्म में होती है, मेटाबॉलिकली उस मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें सारी की सारी एक्टिव होती है, पूरी ग्रोथ हो रही होती है उसकी। और इसका जो ये सारा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये असल में हाइफी है माइसीलियम के, ये हाइफी दिखाए गए हैं, फिलामेंटा स्ट्रक्चर, ये माइसीलियम है सारा। तो इसका एक्सटेंसिव सिस्टम होता है, ये धागानुमा स्ट्रक्चर बना के पूरी सरफेस पे स्प्रेड हो जाते हैं, इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है किसी भी जगह पे स्प्रेड होने के लिए। हाइफी जो है
जिस तरह ये आपको नजर आ रहे हैं वो आपस में पैक भी हो सकते हैं और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह मशरूम होती है ना, मशरूम में आपको ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है और नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। तो मशरूम में भी ये हाइफी होते हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक कवरिंग बनाई होती है, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है मशरूम पफ बाल और मोरल वगैरह, उसमें हाइफी अंदर यही होते हैं, लेकिन उसने बाहर एक स्ट्रक्चर बनाया होता है। यीस्ट जो है ये भी फंजाई की टाइप है, लेकिन इसमें हाइफी नहीं होते, यूनिसेलुलर होती है। और जितनी भी फंगल न्यूक्लियाई हैं वो हैप्लोइड सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। कुछ जो हैं ट्रांजिएंट डिप्लॉइड होते हैं, जो ये ट्रांजिएंट डिप्लॉइड होते हैं ये रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी कि जो भी एक्सचेंज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल तो उस दौरान जो है वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोड होता है उनका, बस इनकी हैप्लोइड ही होते हैं ये। यहाँ पे बताया हुआ येलो बॉक्स में कि एक सिंगल माइसीलियम जो है वो किलोमीटर और फ्यू हाइफी एक दिन में जो है वो 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। और एक सर्कुलर कोलोन जो है आर्मिलेरिया का, एक पैथोजेनिक फंगस का नाम है, साइंटिफिक नेम है फंजाई का आर्मिलेरिया। ये कॉनिफर्स ट्रीज जो है, ये जिम्नोस्पर्म कॉनिफर ट्रीज को अफेक्ट करती हैं। और ये मेजर किया गया है कि अबाउट 15 हेक्टर जो है वो 15 हेक्टर्स तक ये ग्रो करती हैं इस ट्री के सराउंडिंग में, जिसको उसने अफेक्ट किया। न्यूट्रिशन, अब खाना कैसे खाती हैं, फूड कैसे हासिल करती हैं, क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटरोट्रोफ होता है। हेटरोट्रोफ क्या होता है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेती हैं, कार्बन और एनर्जी की ज़रूरत जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से पूरी करती हैं। ये अपनी फूड जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन करती हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ्स होती हैं फंजाई, मोस्टली फंजाई जो है वो सेप्रोब होती हैं। सेप्रोब क्या होती हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती हैं और वहाँ से डायरेक्टली अपनी सरफेस के जरिए एब्जॉर्ब करती हैं ऑर्गेनिक मैटर को। और इसके लिए वो स्पेसिफिक इनके पास इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स, जिस तरह हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो एंजाइम होते हैं माइसीलियम में, वो एंजाइम जिस जगह पर ये स्प्रेड होती हैं वहाँ पे एंजाइम रिलीज करती हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करती हैं और ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती हैं अपनी बॉडी के अंदर। सप्रोफाइटिक फंजाई जो है वो अटैचमेंट कैसे होती है सरफेस के साथ, इनके पास रूट की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स के जरिए ये जो है किसी सरफेस के साथ अपने आप को अटैच कर लेती हैं। ये राइजोइड्स जो हैं वो उसके माइसीलियम का ही पार्ट होते हैं। और फंजाई जो है मोस्टली उनका जो डिकम्पोजिशन कर रही होती है ना, वो सेलुलोज की और लेग्निन की, ये प्लांट की सेल वाल की कंपोनेंट्स हैं दोनों। प्लांट की सेल वाल में सेलुलोज होती है, लेग्निन से मिलकर बनी होती है, और ये उसको जो डाइजेस्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया जो है वो सेलुलोज और लेग्निन को मोस्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फंजाई कर लेती हैं। इसके अलावा इनके पास एक्सटेंसिव फास्ट ग्रोइंग हाइफी होती हैं, जो कि इन्हें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिशन को। सेप्रोफाइटिक फंजाई जो हैं बैक्टीरिया के साथ डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करती हैं हमारे बायोसफेयर में, इसीलिए इसको रिसाइकलिंग रिसाइकलर बोलते हैं, क्योंकि ये रिसाइकलिंग जब ये डिकम्पोज करती हैं तो बहुत से ये एलिमेंट्स कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दोबारा से रिसाइकलिंग करके हमारी इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर देती हैं। कुछ फंजाई जो होती है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद उससे फूड लेते हैं, तो बहुत सी फंजाई जो होती हैं वो पैरासाइटिक होती हैं। कुछ जो प्रीडेटर होती हैं, प्रीडेटर क्या होते हैं, जो डायरेक्ट ही अपने प्रे को इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं और शिकार को खाते हैं। कुछ जो होती हैं वो म्यूचुअलिस्टिक होती हैं। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई क्या होती हैं, जो कि एसोसिएशन बनाती हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है। पैरासाइटिक फंजाई वो होती हैं जो कि एब्जॉर्ब करती हैं डायरेक्टली अपने होस्ट के साइटोप्लाज्म से फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके लिए इनके पास इनकी हाइफी की टिप पे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं होस्टोरिया। होस्टोरिया जो है वो एक फिंगर लाइक समझ लें प्रोजेक्शंस की तरह, या अगर हाथ की तरह के प्रोजेक्शन बनाए तो हाइफी की टिप से एक होस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है अपने होस्ट जिस पे इसने अटैक करना है उसके अंदर घुसा लेते हैं, उसके अंदर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर,
और फिर उसमें से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो पैरासाइटिक फंजाई की दो टाइप्स आ जाती हैं, या तो ये ऑब्लिगेट होती हैं या ये फैक्यूल्टेटिव होती हैं। ऑब्लिगेट जो होती हैं वो पाबंद होती हैं, जब तक तो उसको वो शिकार नहीं मिलता, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, वो अपनी फूड नहीं लेती। और जो फैक्यूल्टेटिव होती हैं उन्हें जो भी शिकार मिल जाता है, अगर वो स्पेसिफिक मिल जाए उसे भी खा लेती हैं, अगर कोई दूसरा मिले तो उसे उस पर भी गुजारा कर लेती हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है वो ग्रो करते हैं ओनली ऑन द ऑन देयर लिविंग होस्ट, सिर्फ अपना लिविंग होस्ट मिलता है तो फिर ही ये ग्रो करते हैं किसी भी अवेलेबल ग्रोथ मीडियम में। यानी कि ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं, अगर हम कहेंगे हम उसे लेबॉर्टरी में ग्रो करवा सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट वगैरह दे के फूड दे के, तो ये ग्रो नहीं होती, इसके कुछ स्पेसिफिक पैरासाइट ही चाहिए होता है। बहुत से माइल्ड्यूज और रस्ट जो हैं वो ऑब्लिगेट हैं, ये उसकी एग्जांपल है, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। माइल्ड्यूज और रस्ट जो है वो फंजाई जो के रस्ट प्रोड्यूस करती हैं, जंग की तरह के स्पोर्स होते हैं इनके, ऑरेंज येलो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, ये दोनों जो हैं वो ऑब्लिगेट होती हैं। फैक्यूल्टेटिव जो है वो पैरासाइटिकली ग्रो करती हैं होस्ट पे, एज वेल एज आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया, यानी कि खुद भी हम इसको कोई भी न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करके लेबॉर्टरी में ग्रो करवा सकते हैं। कुछ फंजाई होती हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कौन सी होती हैं, जिसमें ऑस्टर मशरूम आ जाती है, इसकी एग्जाम साइंटिफिक नेम है पेलास्ट्रस ओस्टेरस ओस्टेटस, ऑस्टर मशरूम इसको बोलते हैं। ये कहते हैं ये जो है एक ओमनीवोर है, ओमनीवोर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको उन पे प्रीडेटर होती है ये फंजाई। ये पैरालाइज करती है अपने नीमाटो अपने शिकार को, नीमाटोड इसका शिकार होता है, जिस तरह ये दिखाया गया है, ये राउंड वर्म दिखाया गया है। तो ये भी क्या करती है, ये अपने शिकार को पहले पैरालाइज कर देती हैं, उसे अपाहज कर देती हैं, फिर जो है अपनी हाइफी जो है उसके अंदर पेनीट्रेट, यानी कि अपनी हाइफी उसकी बॉडी के अंदर धंसा देती हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के नाइट्रोजन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट उस बॉडी से हासिल करती हैं, और अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करती हैं, जो उसके आसपास के एरिया में जो वुड होती है उसको डिकम्पोज करके वहाँ से लेती हैं। कुछ फंजाई जो है उसे बोलते हैं आर्थ्रोबोटायरस, ये फंजाई जो होती हैं ये इसे बोलते हैं ये नीमाटोड्स को ट्रैप करती हैं। कैसे शिकार करती हैं उसका, ये उसके गिर्द एक कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना देती हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना फांसी का फंदा बना देती हैं, यानी कि इसकी हाइफी ग्रो करते हैं और कंस्ट्रिक्टिंग एक रिंग बनाते हैं, और अनलकी विक्टम जो भी शिकार इसको बदकिस्मत शिकार होता है इसके पास आता है, तो उसके गिर्द जो है वो इसके हाइफी जो है वो एक रिंग बना देते हैं, और रिंग जो है वो उसको बंद कर ऐसा ऐसा कंस्ट्रिक्ट होती है, यानी कि तंग होती है ये, और अपने शिकार को मार देते हैं और इस तरह उससे फूड देते हैं। कुछ जो होती हैं वो स्टिकी सब्सटेंस, यानी कि कुछ फंजाई सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं जो चिपकने वाली होती हैं, जो भी शिकार उसके आसपास आता है वो उसके साथ चिपक जाता है, फिर वो उसे डिकम्पोज करके खा जाती हैं। उसके बाद जो है एसोसिएशन आ जाती हैं, फंजाई म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाती हैं, जिस तरह लाइकन्स और माइकोराइजी। अब लाइकन्स एक फंजाई और एल्गी के दरमियान, एल्गी और फंजाई, एल्गी क्या होते हैं जो हम हमने पढ़े थे माइक्रोस्कोप जो हैं ऑटोट्रॉफिक और नॉन वास्कुलर प्लांट्स को बोलते हैं हम लाइकन्स, एल्गी। लाइकन एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है फंजाई के दरमियान, और फंजाई में जो टाइप आती है फंजाई की, दैट इज द एस्कोमाइसीड्स या इम्परफेक्ट फंजाई या फियोबेसिडियोमाइसीड्स भी हैं, यानी कि इनकी ये फंजाई की मेनली तीन कैटेगरीज ही हैं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और डिटेरियोमाइकोटा। तो इन तीनों में से इसकी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो लाइकन्स की एसोसिएशन बनाती हैं। फोटो ऑटोट्रोफ यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं इसमें, ग्रीन एल्गी आ जाती है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है ये एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, दोनों मिल के जो है एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइकन। मोस्टली ये विजिबल पार्ट जो आपको नजर आ रहा होता है लाइकन्स का वो फंगस का होता है,
और एल्गी जो कंपोनेंट जो होती हैं वो हाइफी के साथ ही उसने इंटरमिंजल हुई होती हैं, लेकिन जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है ना सारे का सारा, वो असल में फंजाई का ही मोस्टली पार्ट होता है। फंजाई और ये एसोसिएशन में दोनों को फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है कि फंजाई जो है वो अपने एल्गी पार्टनर को लाइट, क्योंकि एल्गी जो होती है ना वो मेस्टेरिया में गीली जगह पे रहती है और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एल्गी की डेथ हो जाती है, अगर पानी की कमी हो तो डेथ हो जाती है। तो फंजाई क्या करती है, उसको कवर कर देती है, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको पानी खुश्की से बचाती है, ज़्यादा लाइट स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाती है। और इन टर्न जब एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करती है तो फूड बनाती है, वो फूड जो अपनी फंजाई को देती है। इस तरह दोनों जो है वो एक एसोसिएशन बना के रहती है, जिस तरह ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये रॉक्स पे असल में स्ट्रक्चर दिखाया गया हुआ है फंजाई का, ये भी जो है एसोसिएशन दिखाई गई है पारमीलिया बेसिडिया और रेमिलेनिया। ये असल में फंजाई की थ्री टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है लाइकन्स की एसोसिएशन में। ये जो फोलियोज लाइकन्स दिखाई गई हैं, फोलियोज लाइकन में इसको हम पारमीलिया भी बोलते हैं, और ये जो आपको पारमीलिया इसकी एग्जाम्पल है। क्रुस्टोस लाइकन जो कि सरफेस के साथ होती हैं, फोलियोज जो है वो लीफ लाइक होती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसमें जिसकी एग्जाम्पल है पारमीलिया। कुछ क्रुस्टोस लाइकन जो हैं जो कि सरफेस के साथ, सोइल सरफेस या रॉक की सरफेस के साथ ही अटैच होती हैं, इसे बोलते हैं क्रुस्टोस लाइकन। और ये लेकनोर और बेसिडिया एग्जाम्पल आ जाती है। और ये जो आपको फ्रूटिकोस लाइकन नजर आ रही है, इसकी एग्जाम्पल है रेमिलेनिया। अब ये स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, बॉटम इसका पार्ट जो है वो बॉटम भी फंगस से मिलकर बना हुआ है और अपर पार्ट भी फंगस, ये येलो कलर का नजर आ रहा है ना, सेंटर में जो है वो फंजाई के और एल्गी के दोनों के सेगमेंट्स या फिलामेंट्स प्रेजेंट है। लाइकन जो है वो ग्रो करते हैं और इस तरह के एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे हार्श प्लेसेस जिस तरह के बेयर रॉक्स पे ग्रो करते हैं, चट्टानों के ऊपर ये लाइकन्स का स्ट्रक्चर बनते हैं। और लाइकन जो है ना, लाइकन एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बायो इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के, यानी कि जिस जगह पे पोल्यूशन होती है ना वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते, यानी कि फंजाई और एल्गी की जो एसोसिएशन है जिसको हमने नाम दे दिया लाइकन का। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, दो हैं, कौन कौन से, फंजाई और एल्गी। फंजाई आपको सरफेस यहाँ पे ऊपर भी लेयर नज़र आ रही है फंजाई की, नीचे भी फंजाई की लेयर नज़र आ रही है, और सेंटर में दोनों फंजाई और एल्गी दोनों हैं। अच्छा, और ये जो सोलिडिया दिखाया है ना, ये फंजाई ने एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस किए हैं, सोलिडिया। अब यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि ये जो एसोसिएशन बन गई, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द लाइकन जिसमें एल्जी और फंजाई मिलके रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब ये लाइकन की ग्रोथ जो है उन चट्टानों पर होती है, उस जगह पर होती है जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, इसीलिए हमारे आसपास के एरिया में आप जहाँ मर्जी देख लें आपको लाइकन्स नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पोल्यूशन की वजह से ये एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेड गैसेज होती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं लाइकन, तो इनकी डेथ हो जाती है, इसी वजह से वहाँ पे ये ग्रो नहीं करती। तो लाइकन अगर किसी एरिया में ग्रो कर रही हैं तो इसका मतलब है वो एरिया पोल्यूशन फ्री है, वो बिल्कुल साफ़ है, वहाँ की एनवायरनमेंट बिल्कुल जो है वो साफ़ है। उसके बाद आ जाते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। फंजाई जो है वो माइक्रोमिचुलिस्टिक एसोसिएशन बनाती हैं रूट्स यानी कि वास्कुलर प्लांट्स के दरमियान। 95% जो है जितने भी वास्कुलर प्लांट हैं वो एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ। फंजाई हाइफी जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज करते हैं प्लांट के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को, यानी कि फंजाई जो होते हैं ना वो असल में प्लांट की रूट्स के साथ अटैच होते हैं। रूट्स अक्सर अगर हम देखें ना, जिस तरह ये पी प्लांट में देखें तो उसकी रूट्स में गोल गोल सर्कल से बने होते हैं, वो रूट नोड्यूल्स होते हैं, वो असल में फंजाई या बैक्टीरिया जो है वो एसोसिएशन बनाई होती है उन्होंने उसकी रूट्स के साथ। और इस तरह वो फंजाई जो है उसको, एक तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, उसको डिकम्पोज करती हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और उसको रूट को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है, और फूड ले रही होती हैं प्लांट से। कुछ फंजाई जो होती हैं डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करती हैं फॉस्फोरस जिंक कॉपर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को, सोइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देती हैं, और प्लांट्स की वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि फंजाई इसको जो है वो सोइल से एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट देती हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर दे रही होती है। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करते हैं फंजाई को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो करते हैं
माइकोराइजल एसोसिएशन की दो टाइप्स आ जाती हैं, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा जिस तरह कि उसके नेम से पता चल रहा है, इंटरनली यानी कि उसके अंदर सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा, जिसमें फंगल हाइफी जो हैं वो उसके पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल्स के अंदर, आउटर सेल्स के यानी कि प्लांट रूट्स के अंदर एंटर होना था, तो रूट सेल्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाती हैं और वहाँ पे स्वेलिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ब्रांचेस प्रोड्यूस करती हैं। और अगर फंजाई जो है वो एक्सटेंड करें, एक्सटेंड आउट इनटू द सराउंडिंग सोइल, तो इसमें वो सेल्स के सराउंडिंग में एक्सटेंड करती हैं लेकिन सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, सेल वॉल में। अब यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा में क्या डिफरेंट है। एंडोमाइकोराइजा में फंजाई के जो हाइफी हैं वो उसके सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, सेल के अंदर, एक एक सेल के अंदर जा रहे हैं सेल वॉल को क्रॉस करके, ठीक है। और ये असल में रूट का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। और यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा में वो उसके गिर्द लेयर बनाते हैं और सेल के अंदर तो जाते हैं लेकिन उसके बाहर बाहर मूव कर रहे हैं, उसके सेल के अंदर एंटर नहीं होते। इसमें जो है वो उसके सेल के अंदर भी एंटर हो जाती हैं, सेल वॉल को क्रॉस कर लेती हैं, उसके सेल के अंदर एंटर हो जाती हैं एंडोमाइकोराइजा। और एक्टोमाइकोराइजा जो है वो सेल के साथ साथ ग्रो करते हैं और उसके गिर्द जो है वो एक लेयर बना देते हैं मेंटल की फॉर्म में। फंजाई मोस्टली जो है बेस्ट ग्रो करते हैं मॉइस्ट हैबिटेट में, यानी कि नमी वाली हवा में ग्रो करते हैं। और अगर सर्वाइव, अगर ड्राई कंडीशन हो तो ये स्पेशल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे रेस्टिंग स्टेज पास आउट करते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फंजाई में ये एबिलिटी होती है कि हाई पीएच को, टेम्परेचर को बियर कर लेती हैं। पीएच जो है 2 to 9 pH जो है वो ये बियर कर लेती हैं, इसलिए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर जो है वो भी बर्दाश्त कर लेती हैं। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यानी कि पानी की कमी को भी ये साल्ट सॉल्यूशन में, इसलिए हम कहते हैं जो फ्रिज में हम जेली जैम रखते हैं उसमें भी फंजाई जो है वो ग्रो कर लेती है। तो ये इसके जो है वो मोड ऑफ सर्वाइवल हैं। कुछ फंजाई जो होती हैं वो एक्सेस फूड भी अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं ग्लाइकोजिन की फॉर्म में, लिपिड की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या ग्लाइकोजिन की फॉर्म में अपने अंदर एक्सेस फूड को स्टोर कर लेती हैं।